पेज को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप सभी। आपको पता है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 यानी अभ्यास 4.2 या प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, जिसमें का क्वेश्चन नंबर 6वां आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से क्वेश्चन सुन लो, आपके पास बुक होंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी वाली, तो आप सवाल को सुनो और लिख लो, मैं दो बार बोलूँगा। चलो लिखो, कॉपी पेन ले लो, फटाफट शुरू करो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, ऐसे लिखो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल मैंने बहुत रुक रुक के बोला है, फिर भी नहीं लिख पाए हो ना, तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुनो और सवाल को लिख लो। आपकी किताब अगर है तो मिला लो, किताब में मिल रहा है ना। तो बच्चा क्या करोगे बाबू, ध्यान दो, बड़ा ही प्यार सा सवाल है, एकदम छोटा सा नन्ना सा है। कैसे है, कह रहा कि सवाल को बार बार देखेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं निश्चित है कि कितने बर्तन बनाता है। कह रहा कुछ बर्तन बनाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो संकोच वाली संख्या है ना, जब हल करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे हल में, आप लिखोगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर x, हमने बर्तनों की संख्या मान लिया। आगे कह रहा है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक थी। तो अब आप क्या करोगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिखोगे, लिखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, कह रहा बनाए गए बर्तनों की संख्या यानी x, ठीक है, बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, ये दोगुना भाई x का दोगुना से तीन अधिक थी, मतलब ये तीन हो गया। सवाल एक बार फिर से सुनो, कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत एक विशेष दिन ये देखा गया कि उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक थी। तो कह रहा कि फिर बनाए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताइए, लेकिन उसमें जो टोटल नग की निर्माण लागत थी उस दिन की, वो 90 रुपये थी। तो बच्चा लिख लो प्रश्नानुसार, आपका सवाल आपके सामने आ गया है। चलो प्रश्नानुसार क्या करोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, जितने बर्तन हैं और जितनी प्रत्येक बर्तन की लागत है, जैसे हम मान लेते हैं कि 7 बर्तन हैं, एक बर्तन को बनाने में 5 रुपया लगता है, तो कुल बर्तन बनाने में 35 रुपया खर्चा होता कि नहीं, सोचो, बर्तन 7 हैं, एक बर्तन के पीछे 5 रुपये लग रहा है, तो टोटल बर्तन बनाने में 35 रुपये लगेंगे ना बच्चा, लगेंगे ना। ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम बर्तनों की संख्या को उसकी लागत से गुणा कर दें तभी मिलेगा ना। तो उसी तरह से हमें बर्तनों की संख्या x पता है, इनकी निर्माण लागत 2x+3 पता है, तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, x का मल्टीपल करेंगे 2x+3 में। इसमें कह रहा है कि जो उस दिन की निर्माण लागत दी है वो 90 रुपये दी है, तो बराबर 90 रुपये कर देंगे। हल कर लोगे बच्चा इनको, तो ये हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर साइड ज़्यादा हल करूँगा, चूँकि मुझे इधर साइड जगह बचानी है, तो मैं इधर थोड़ा ज़्यादा लिखूँगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखो बच्चा,
यक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल 90, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 90। फाइनल में आपका आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, वो क्या है मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। इधर साइड तो मैंने काफ़ी कुछ बोर्ड छोड़ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो बच्चा लोग क्या करोगे बाबू, अब बड़ा गड़बड़ लग रहा है, चलो बताओ, सोचो इसमें हम लोग आखिर कर क्या सकते हैं। अब सोचो क्या कर सकते हैं, गुणा करने पर 180 आए यानी 2 × 9 = 18 और घटाने पर 3 आए। सोचो गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 3 आए, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो बच्चा हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस, हम 3 की जगह पे लिख सकते हैं 15 - 12। 15 - 12 का गुणा कर लो, देख लो, देखो ये गुणनखंड करना मैं पहले सिखा चुका हूँ, इनके फैक्टर कैसे करते हैं ये नहीं आता तो कमेंट करना, कमेंट करना मुझे नहीं आता बताया जाएगा। तो ये 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15x माइनस का ये 12x माइनस का 90 इक्वल 0। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसमें अब आप क्या करोगे, कॉमन ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी से कॉमन ले लो। हाँ तो बच्चा इसमें कॉमन हो जाएगा x, क्या कॉमन हो जाएगा x, तो इसमें बचेगा 2x प्लस 15 बचेगा, इसमें आप माइनस का 6 कॉमन ले लोगे तो 6 × 12 2x और प्लस का ये 15 बचेगा। फाइनल में हम इधर साइड में हल कर देंगे, इसीलिए मैंने जगह छोड़ा था जिससे कि आपको कोई लफड़ा ना हो भाई, कोई कमी ना हो जगह की। तो आप क्या करोगे, हल कर लो, करना क्या यार, वेरी सिंपल सा है, जो दो बार कॉमन हुआ है ये एक जगह हो जाएगा और जो कॉमन हुआ x माइनस 6 ये एक जगह हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये बराबर सब जीरो था तो जीरो करते जाना, हमें x का मान निकालना है, दोनों में अलग अलग कर दे रहा हूँ। यदि 2x प्लस 15 को बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 15/2 आता ना, लेकिन अगर हम यदि x माइनस 6 = 0 करें, यहाँ पे लिख लो, तो x का मान 6 आएगा। अब भैया बर्तनों की संख्या माइनस में तो आएगी नहीं कि 15/2 माइनस 15/2 बर्तन थे, नहीं ना, बर्तन तो एक गिनती होती है, एक पूर्ण संख्या आएगी, आएगी ना, एक प्राकृतिक संख्या आएगी। तो ये मान हम लेंगे, प्लस वाला माइनस वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब तुम लिखोगे का बच्चा, अब ये लिखोगे लास्ट में, नीचे लिखो, लास्ट में नीचे लिखो, जगह है इसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे, लिखो, अतः बर्तनों की संख्या, नीचे लिखो, अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, और सवाल में क्या पूछा था, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए ना, तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3 इक्वल 2 × 6 प्लस 3 इक्वल 2 × 6 = 12 = 3 = 15 रुपया। बात समझ में आई ना, इसको नीचे लिख देना, अतः प्रत्येक, अतः कुल बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत ये 2x प्लस 3, इसमें x का मान रख करके हल कर लेना, मतलब 15 रुपये हो गया। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो बच्चा, तो आपको ये मिल जाएगा कि कुल जो 90 रुपये दिया गया था किताब में, सही बैठ रहा है ना, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, देखो उत्तर की जांच कर लो बच्चा। कह रहा था कि टोटल जो है 90 रुपये हो रहा है, तो भैया अगर 6 रुपये एक बर्तन के पीछे खर्चा हो रहा है, 6 नहीं हो रहा, 15 रुपये हो रहा बच्चा, हाँ बर्तन 6 बन रहे हैं तो 15 × 6 = 90 रुपये हुआ ना टोटल। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वैसे आज का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चा, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम फिर मिलेंगे आपको अगले सवाल में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। चलते चलते आपको एक बात बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारी क्लास इस तरह से मिलती रहे और आप बड़ी बड़ी क्लास देख पाएँ कि एक दो दो घंटे की, मतलब पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी पा जाएँ, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन प्रीमियम क्लास 10th लिख के भेजें, ज्वाइन प्रीमियम क्लास 10th लिख के व्हाट्सअप करें या टेक्स्ट मैसेज करें, आपको क्लास में ज्वाइन करने का तरीका बताया जाएगा। प्ले स्टोर से PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें और पूरा कोर्स पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट जरूर करना।